ये थी अमृत धारा। ये थी परमात्मा महावीर की श्रुत गंगा। जितनी भावुकता, जितनी भाव विभोर होने की मात्रा बढ़ती जाती है, यही श्रुत गंगा का पवित्र जल हमारे समस्त आत्म प्रदेशों को सिंचित करता जाता है, सिंचन करता है, सिंचन। क्योंकि जब तक ये श्रुत गंगा हमारे रोम रोम तक नहीं पहुंचेगी, तब तक पवित्रता नहीं आएगी। और बिना पवित्रता के शुद्धता कैसी, और बिना शुद्धता के बुद्धता कैसी, बोध कैसा, बिना बोध के संबोधि कैसी, और बिना संबोधि के समाधि कैसी। तो बार बार मैं दोहराता हूं आप लोगों के हृदय तंत्री को कुछ स्पंदित करने का भाव रखता हूं कि रोज रोज जरूर अपने मन में ये दोहराया करो। ये जो दिन है ना, ये जो पल गुजर रहे हैं, ये बड़े अनमोल हैं मेरी जिंदगी के। जिन पलों में मैं श्रुत देव की आराधना कर रहा हूं, भगवान महावीर की अंतिम वाणी का अमृत पान कर रहा हूं, यही भावुकता पार करेगी। लीजिए, तेरवां अध्ययन चित्त संभूति, यानी दो भाइयों की कथा है ये, और कई जन्मों की कथा है ये। इन कथाओं के आधार पर पता चलता है कि हम सभी जन्म जन्मांतरों से जुड़े हुए हैं। ये जो मौका मिला है हमको मनुष्य भव में श्रुत देव की आराधना करने का, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। इन मौकों में, इन अवसरों में, इन पलों में आप जितने भावुक होते जाओगे, भावुक एक शब्द होता है आवेश, और एक शब्द होता है भावेश। आवेश में दुष्कर्मों का बंध होता है, दुष्कर्मों का बंध होता है। आवेश क्रोध में जब भी जितना आवेश आएगा, और जब ये आवेश अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है तो दुर्गति का बंध होता है। और जब भावनाएं भावाभिभूत अभिभूत जब हम होते हैं तो उन पलों में सदगति का बंध होता है, सदगति की तरफ हम प्रयाण कर सकते हैं। और उन भावनाओं में, क्योंकि भाव आत्मा के हैं, श्रद्धा आत्मा की है, आत्मा के संपर्क में जब हम आते हैं और उस आत्मा की शुरुआत आपके हृदय से होती है, माइंड से नहीं। मनी के साथ माइंड को जोड़ दिया, या माइंड के साथ मनी को जोड़ा है, मनी माइंडेड। आपने चेक कर लेना, जब मनी की बात आती है तो मनी माइंडेड, जब धन की बात आएगी तो मस्तिष्क जरूर आएगा, क्योंकि बिना मस्तिष्क के हम धन नहीं कमा सकते। व्यापार चलता ही दिमाग से है, तो मनी के साथ माइंड को जोड़ा, या माइंड के साथ मनी को जोड़ा, लेकिन हृदय के साथ यानी हार्ट के साथ काइंड को जोड़ा। काइंड हार्टेड, जिनको हम दयालु कहते हैं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है इंग्लिश भाषा में, क्या? काइंड हार्टेड यानी दयालु।
यानी आपका हृदय काइंडनेस से जुड़ा है, आपका हृदय करुणा से जुड़ा है, आपका हृदय मैत्री से जुड़ा है, आपका हृदय अनकंडीशनल लव से जुड़ा है। कंडीशनल लव माइंड रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल लव को, लेकिन अनकंडीशनल लव को आपका हार्ट रिप्रेजेंट करता है। और यह भी देख लेना, कंडीशनल लव में आप सहज नहीं होते, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं रहती ना, कंडीशनल ही है वो, ये होना चाहिए, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए, राइट। ये जो कंडीशनल सिचुएशन है ये संसार की सिचुएशन है, क्योंकि वो मस्तिष्क से चलती है। लेकिन आप जितना मस्तिष्क का उपयोग कम करोगे, व्यापार में करो ना, लेकिन आप तो अपने दिमाग का प्रयोग अपने घर में लेके बैठ जाते हो। इसलिए जरूर ये बड़ी प्यारी कहानी है, और बड़ी इस कहानी के माध्यम से भगवान ने हमको बहुत गजब का समझाया है। मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाता हूं, चार लाइनों में हम दोहरा लेते हैं इस अध्ययन का सार, चार लाइनों में। आत्मशुद्धि के लिए ही, आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना, मृत्यु आने पर सुवजन, मृत्यु आने पर सुवजन, और बंधु बांधव छोड़ते, संभूत सी चरिया रही तो आगे दुख में डोलते, संभूत सी चरिया रही तो आगे दुख में डोलते। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, ये देखिए दिल और दिमाग का खेल खेला है यहां पर भगवान महावीर ने बोला है। क्या गजब का बोला, दोनों भाइयों के माध्यम से एक संदेश दिया है कि आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना। अगर हम और तुम कोई भी अगर आत्मशुद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता दिया है ध्यान तप की साधना। देखिए मिलन और सम्मेलन का क्या प्रभाव है, गौर कीजिएगा। जब दो आंखें मिलती हैं, यानी जब दो आंखें मिलती हैं, है ना, मेरी आंख तुम्हारी आंख, दो आंखें मिल गई, दो और दो चार, तो कहते कि जब दो आंखें मिलती हैं तो इंसान मिलते हैं, लेकिन जब दो पलकें मिलती हैं, ओए होए, जब दो पलकें मिलती, मिल गई ना, जब दो आंखें मिलती हैं ये देखो तो इंसान मिलते हैं, जब दो पलकें मिलती हैं तो भगवान मिलते हैं। आंखें खुलती हैं तो दुनिया दिखती है, आंखें बंद होती हैं तो भगवान दिखता है। पलकों के मिलन को ध्यान कहते हैं। जब दो पलकें आपस में मिलती है तो यानी पलकें मिलेंगी तो आंखें बंद, आंखें बंद। जब दो पलकें मिलती हैं तो बाहर का दृश्य बंद, अंतर का दृश्य खुल जाता है, अंतर जगत की यात्रा शुरू, अंतर यात्रा जिसको बोलते हैं, अंतर यात्रा की शुरुआत होती है दो पलकों के मिलन से, जिसको हम ध्यान कहते हैं। कहते कि प्रार्थना में भक्त भगवान से बोलता है,
जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में भक्त भगवान से बोलता है और ध्यान में भगवान हमसे बोलता है, इतना बदलाव आता है। दोनों ही रास्ते बड़े अच्छे हैं। प्रार्थना में भक्त भगवान से बोलता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो भगवान हमसे बोलता है, पूछता है, और फिर अंतर से ध्वनि आती है, अहम ब्रह्मास्मि। अंदर से ध्वनि आती है, सो हम, ये ध्वनि अंतर की है कि वह जो तू ढूंढ रहा है वो तू ही है, तू ही है, सो हम। ये अहम से सोहम की साधना है। अहम, अहम यानी संसार, अहम यानी अहंकार, अहंकार कहिए संसार कहिए बात एक है, अहम यानी अहंकार, अहंकार यानी संसार, अरहम यानी अरहम, अरहम यानी सोहम। ये कोहम का जवाब है, कौन हूं मैं, जवाब आया सोहम, कौन हूं मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इसका एक ही जवाब कि तू वही है जिसकी खोज में तू चल पड़ा है, भगवान है तू, अप्पा सो परमप्पा। ये कहानी दो भाइयों के मिलन की है। वेदों के अंदर, वेदों में नहीं, महाभारत के अंदर एक पद आया है, बड़ा प्यारा सा पद है, उन पदों का जवाब उत्तराध्यन सूत्र के इस अध्ययन में आया है। वहां एक शब्द है, जानामि धर्मम नेचे में प्रवृत्ति है, बड़ा प्यारा शब्द है, जानामि धर्मम नेचे में प्रवृत्ति है, जानामि अधर्मम नेचे में निवृत्ति है। यानी मैं धर्म को तो जानता हूं, जानामि धर्मम, मैं धर्म को तो जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही, उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हो रहा, उस धर्म के ऊपर मैं चल नहीं पा रहा हूं। धर्म को तो जानता हूं लेकिन धर्म नहीं कर पा रहा हूं, धर्म हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। फिर दूसरा सवाल आया कि मैं अधर्म को भी जानता हूं, जानाम्य धर्मम, जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं उससे अलग नहीं हो पा रहा हूं, मैं धर्म को जानता हूं उसमें लग नहीं पा रहा हूं, मैं अधर्म को जानता हूं उससे छूट नहीं पा रहा हूं, उससे अलग नहीं हो पा रहा हूं, यह है क्या मामला। उस सवाल का जवाब उत्तराध्यन सूत्र के इस 13वें अध्ययन में भगवान महावीर ने बड़े सटीक ढंग से दिया। ये दो भाइयों की ही कहानी नहीं है, दो नगरों की भी कहानी है, कांपिल्यपुर नगर और पुरीमताल नगर। कांपिल्यपुर नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का शासन है और पुरीमताल नगर के अंदर एक धनाढ्य सेठ के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। ये दो नगरों की भी कहानी है, दो भाइयों की भी कहानी है, और ये कहानी बड़ी जबरदस्त है। तो कहते कि एक बार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और राज परिषदा लगी हुई है, और चक्रवर्ती थे 6 खंड के मालिक हैं और उनका परिषद बहुत विशाल। तो एक नाट्य मंडली का प्रमुख नमस्कार करते हुए राजसभा में प्रवेश करता है और हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की जैसे उस पर नजर पड़ी, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और पूछ ही डाला कि तुम क्यों आए। कहा कि हे मालिक, हे सम्राट, हे चक्रवर्ती, मेरी एक मंडली है, नाट्य मंडली, उसमें संगीत, नृत्य, नाटक सब चीज है। जो कार्य आजकल आपके टीवी चैनल्स पर होता है, मैंने वो भी जमाना देखा है जब ज्यादा टीवी नहीं थे, तो बड़े बड़े गांव में सांग हुआ करते थे, गांव जो कोई बुजुर्ग हो तो सांग जानता हुआ, सांग हुआ करते थे और उस सांग को देखने दूर दराज के गांव आया करते थे, या नाटक हुआ करते थे, रामलीलाएं हुआ करती थी। रामलीलाएं तो भगवान महावीर के समय में भी होती थी,
वो दृश्य बड़ा गजब का है। उपाध्याय भगवान के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित है, उसमें जब महावीर प्रभु अपनी यशोदा के साथ उस राम के वनवास गमन का दृश्य देख रहे थे तो वो पूछ रहे थे उनसे, बड़ा गजब का दृश्य है, वो कभी पढ़ना वो अगर तुम्हारे पास हो तो। उस समय एक नाट्य हुआ करता था, मंचन हुआ करता था, मंच के ऊपर कलाकारों के द्वारा किसी ना किसी दृश्य की प्रस्तुति होती थी। तो यही नाटकशाला ही फिल्म इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई है, यह आप लोग जानते होंगे। तो मैं नाट्य मंडली का प्रमुख बोला, मैं आपका और आपकी प्रजा का मनोरंजन करना चाहता हूं, मैं अपनी नाट्य प्रस्तुति करना चाहता हूं। बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व था वो, तो उसके बोल पर, उसके रोब पर, उसके पहनाव पर बड़े ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती प्रभावित हुए, कहा कि डन हो गया, स्वीकृति मिलेगी। तो बीच मैदान में और बीचों बीच मंच लगा है और सामने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और सारी प्रजा वहां बैठी हुई है। और उस वक्त मधुकरी नाटिका के आधार पर उन्होंने, उस नाट्य प्रमुख ने अपने कलाकारों से सो धर्म कल्प के अंदर, देखो क्या कारण बनता, सो धर्म कल्प पर पद में गुल में विमान का एक दृश्य खींचता है, क्योंकि ये नाटककार बड़े पढ़े लिखे होते हैं, खोजी होते हैं, और ऐसे दृश्यों को जो जनता के समक्ष नहीं आते उनका वो मंचन करते हैं। तो वो उस समय वो एक नाटक पद्म गुल्म का एक विमान है, सो धर्म कल्प विमान का एक विमान है, पद्म गुल्म विमान, उसका वो दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे, वहां का नजारा सामने उतार के रख दिया। पढ़ा था किताबों में, लेकिन अपने कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुति दी उस पद्म गुल विमान की, तो इतनी शानदार दी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उस दृश्य को देखते देखते खो गए। और चेतन से अवचेतन मन में चले गए, अवचेतन मन में जहां हमारी पुरानी विरासत जिंदा रहती है, और जो अगर वो जागृत हो जाए तो उसी को एक भाषा कहा जाता है जाति स्मरण ज्ञान। जब हमें पुरानी जो चीजें इस जन्म में नहीं देखी, पुरानी जन्म की याद आने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, जाति स्मरण ज्ञान बोला, पिछला याद आने लग जाए, पिछले जगत में हम चले जाए, क्योंकि इस अवचेतन मन में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, जन्मों जन्मों की कहानी भरी हुई है। अभी तो आप, मैं इस समय जो सुना रहा हूं, यहां से निकलती तुम भूल जाओगे मैंने क्या सुनाया, कि पहली बात तो तुम चेतना से नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा जी ऐसा तो मत बोलो, चेतना कहते जब कुछ और ख्याल ना आए उसी में डूब जाएं, इसको चेतना से सुनना। और चेतना जब प्राकाष्ठा पे पहुंचते हैं तो हम अवचेतन मन में भी चले जाते हैं। तो जैसे वो दृश्य देख रहे तो उसको ऐसा लगने लगा, यार ये दृश्य मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। देखते देखते जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान में, क्योंकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सो धर्म कल्प देवता से, देव लोक से ही आए थे वो। तो जैसे वहां प्रवेश किया, बैठे हैं नीचे, पहुंच गए ऊपर, किसके आधार पर, जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर। तो वहां देखते, वहां तो मेरा भाई भी था, अब याद आया भाई, मेरा भाई भी था वहां, लेकिन भाई कहां, मेरा भाई कहां, क्योंकि इस जन्म का कुछ याद नहीं, इस जन्म का कुछ याद नहीं, जाति स्मरण ज्ञान पिछला याद दिला रहा है, इस जन्म का कुछ याद नहीं, मेरा भाई कहां। ये ख्याल आते ही, क्योंकि जन्म जन्मों का जब नाता होता है, जब दिल दिल आपस में जुड़ जाता है, जब उसकी याद आती है, जब दिल तड़पता है, तो एकदम बेहोश हो गए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, बेहोश हो गए, भैया कहते हुए बेहोश हो गए। वर्धनु महामंत्री खड़े होते, फटाफट पानी का छींटा दिया, भैया कहां हो, एकदम रोने लग गए, भैया कहां हो तुम, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा सम्राट जब रोने लगता है। तब उनके मुख से एक शब्द निकला, आश्वदासौ मृगौ हंसौ
मातंगा मैं मरू तथा, मातंगा मैं मरू तथा। ये पुछली पूरी पूरी विरासत याद आ गई और बोलने लगे, आश्रदासव मृगव हंसव मातंगाम मरव तथा, श्लोक का एक हिस्सा बना दिया और यह घोषणा करवा दी कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं अपना आधे राज्य दे दूंगा। जो इस श्लोक को पूरा करेगा, क्योंकि यह श्लोक ऐसा था जो बिना याद आए, बिना जाति स्मरण ज्ञान हुए, बिना पुराना संबंध याद आए, ये श्लोक पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आसदासो मृगव हंसव मातंगाव मरव तथा। और मालूम है आपको, उस कांपिल्यपुर नगर के दूर दराज गांव में, शहरों में, कस्बों में, छोटे क्या बड़े क्या, सब इसको रट रहे, बोल रहे, क्योंकि आधा राज चाहिए, आधा राज चाहिए, पर मिले कैसे, सब रट रहे। आसुदासो मृगव हंसो मातंगाव मरव तथा, मातंगाव मरव तथा, ये सब रट रहे, सब रट रहे, सब रट रहे, ये क्योंकि भैया ये तो लॉटरी का टिकट था, लॉटरी का, वो भी आधा राज्य। अरे अनपढ़ भी, जिनको पढ़ना है वो भी सब याद करके घूम रहे, घूम रहे। और इधर पुरीमताल नगर में चित्त का जन्म हुआ, संस्कारों की वजह से दीक्षित हुए, दीक्षित होकर साधना की, साधना करते ही अवधि ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान में उनको भी अपने भाई की याद आई। किसको? चित्त को। ये पिछले जन्म के नाम है चित्त और संभूति। संभूति जो है वो ब्रह्मदत्त बन गया है, और चित्त जब अवधि ज्ञान, उनको भी अपने भाई की याद, मेरे भाई कहां है, भाई कहां है, हम इतने जन्मों तक साथ साथ रहे, साथ साथ रहे, अब कहां बिछड़ गए, क्योंकि दासी पुत्र थे पहले वो, आश्व दासव मृगव हंसव, वहां पर जब दासी पुत्र थे वो जोड़े से थे, वो जोड़े से, वहां पर एक पेड़ के नीचे सो रहे थे दोनों भाई, एक सांप ने काट लिया उनको, तो सांप के काटने से दोनों भाई मर गए। आश्व दासव मृगव हंसव, वहां से मरकर वो मृग बने, मृग बने, हिरण बने, वहां पर भी वो जोड़े से बने, हिरण बने, वहां पर एक शिकारी ने उनका छेदन कर दिया, एक शिकारी ने बाण चला दिया, और बाण ऐसा चलाया कि वो दोनों ही हिरण एक साथ घायल हुए, एक साथ मर भी गए। वहां से मरकर वो एक सरोवर में हंस के रूप में पैदा हुए, वो भी जोड़े के साथ पैदा हुए। आश्वदासो मृगव हंसव, हंस के रूप में पैदा हुए, वहां पर एक बहलिए ने, एक मछुआरे ने उन दोनों को पकड़ लिया, गर्दन मरोड़ दी, मार दिया और खा गए, मर गए वहां पर गए। वहां से मर करके मातंग गांव मरो तथा, फिर एक काशी नगरी के अंदर भूत दत्त चंडाल के घर में वो दोनों भाई पैदा हुए, और जहां पर उन दोनों भाइयों का नाम रखा गया चित्त और संभूति, चंडाल के घर में पैदा हुए। वो सब दृश्य याद आने लगा कि चंडाल का काम आप जानते होंगे, जो फांसी दिया करता था, कत्ल किया करता था राज्य के अपराधी को, और चंडाल को ही सौंपा जाता था मारने के लिए, चाहे कत्ल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो वहां पर एक नमुची मंत्री था, उस नमुची मंत्री ने इतना अपराध कर दिया जिससे राजा कुपित हो गया और उसको राजदंड की सजा सुना दी, और संयोग से भूतदत्त चंडाल को उसको मारने को दे दिया गया, उसको सुपुर्द कर दिया, इसको मारना है। भूतदत्त चंडाल उस नमुची, नमुची महामंत्री था, पढ़ा लिखा था, बड़ा विद्वान था, कई कलाओं से संपन्न था, कहा कि राजन मैं इसको मार दूंगा फला डेट को फला जंगल में। तो बड़ी चालाकी से भूतदत्त चंडाल उस नमुची को छुपाकर अपने घर के तहखाने में लेकर के बैठा दिया, कहा कि चंडाल होने की वजह से हमारे बच्चों को कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं तुझे जीवन दान दूंगा, लेकिन तुझे मेरे बच्चों को विद्या दान देना होगा, मेरे बच्चों को शिक्षित करना होगा। मरता
क्या, जब देखा जीवन मिल सकता है तो कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो बच्चों को शिक्षित किया, कई कलाओं में संपन्न किया, गायन कला में, विद्या कला, गायन कला में, गीत कला में, नृत्य कला में, कई कलाओं में निष्णात कर दिया। बच्चे बड़े खूबसूरत थे, तो क्या हुआ, अपनी आदत की वजह से नमोची चंडाल की पत्नी के साथ प्रेम में पड़ गया, या वो उसके प्रेम में पड़ गई, दोनों कुछ समझ लीजिए। उनको रंगे हाथ पकड़ लिया चंडाल ने, चंडाल की खोपड़ी खराब है, तेरा भला हो, जीवन दान भी दिया, पर लेकिन इसने ये क्या किया, उसने योजना बना ली कि मैं इसको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जब ये मेरे पास मरने के लिए ही आया तो मारूंगा। पिता की ये संकल्प उन दोनों बच्चों ने सुन लिया। बच्चों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, आखिर ये हमारे विद्या दाता हैं, इसकी जान बचानी चाहिए। दोनों बच्चों ने अपने ज्ञान दाता, विद्या दाता नमोची को कहा कि हमारे पिताजी का इरादा तुम्हें मारने का है, हम तुम्हें गुप्त रास्ते से बचा देते हैं, तुम भाग जाओ। उनको भगा दिया। किन्होंने? दोनों बच्चों ने। और वो इतने कला निष्णात थे कि जब एक महोत्सव हुआ, लोग आए और जब उनकी कलाएं देखी तो उनके आगे और बड़े जितने भी कलाकार थे सबकी कलाएं फीकी पड़ गई। और वो जिस समय नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चलाया, लोग इतने झूमने लग गए, इतने झूमने लग गए, जात पात भूलकर उन्हीं में मस्त हो गए। तो जो कलाकार दूसरे थे उन्होंने कोई ना कोई बहाना लिया, क्योंकि जब लोग है ना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब हम किसी का मुकाबला नहीं कर पाते तो ये जात पात लेकर के बैठ जाते हैं। आजकल के कई नेता ये जात पात का चक्कर लेकर के बैठ जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी देते नहीं, जात पात हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। ये सब छोटी क्षुद्र मानसिकता के लोग होते हैं जो इतनी गंदी मानसिकता में चले जाते हैं। तो उन कलाकारों ने सोचा कि एक ही चीज इंसान के इमोशंस से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चंडाल कुल के बच्चे हैं, हम ऊंचे कुल के बच्चे हैं, हम ऊंचे कुल के कलाकार हैं, इनकी वजह से ये ब्राह्मण जात पात सब मिट गई, सब आपस में घुल मिल गए, धर्म भ्रष्ट हो गया। राजा के पास बात पहुंची तो राजा ने उनको देश निकाला, दे दिया, निकलो यहां से, क्योंकि राजा भी अपनी जनता से बंधा हुआ होगा या उसी पचड़े से पचा हुआ होगा, उसी पचड़े से जुड़ा होगा, जो भी तुम समझ लीजिए। फिर उन्होंने वेश बदलकर एक बार फिर प्रस्तुति दी, पर लेकिन कहते कि आवाज और कला कभी छुपती नहीं है, उन्होंने फिर पहचाना, फिर उनको धक्का मार के भगा दिया। वो बच्चे इतने निराश हो गए, यार कमाल है, जात पात का इतना बड़ा पचड़ा कि हम लोग हमारी कला का भी सम्मान नहीं, तो इतने उदास हो गए कि वो मरने की सोच बैठे और पहाड़ी पर चले गए आत्महत्या करने के लिए। वहां एक मुनि मिले, मुनि का संयोग मिला, संयोग मिलने से क्या हुआ, दोनों भाई संत बन गए। ये है संत मिलन का प्रभाव, कहां तो आत्महत्या करने जा रहे थे और कहां वे अपनी साधना में जुट गए। साधना इतनी उच्च कोटि की कि एक बार दोनों भाई हस्तिनापुर पहुंच गए और उधर वो नमोची जिनको बचाया था महामंत्री को, नमोची वहां पहुंच गया हस्तिनापुर, वहां सनत कुमार चक्रवर्ती का शासन था और अपनी प्रतिभा से वो वहां महामंत्री बन गया। संभूति आहार पानी के लिए हस्तिनापुर पहुंचे तो संयोग से नमोची के घर पहुंच गए और नमोची ने उसको पहचान लिया और उसने सोचा यार ये तो ये यहां आ गए और ये जो हमारे पिछले समझ रहे हैं ना, ये सब जानते हैं। जो मन में पाप होता ना, जबकि उनके दिल में कोई पाप नहीं था, पर लेकिन क्या करे, आदमी अपनी अपने आप ही मर लेता है। तो उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, मंत्री था, प्रभावशाली था, कि मंत्री के हाथ में ज्यादा ही पावर होती है, हैं भाई मंत्री, जरा समाज को सुंदर संचालित करने का जो उपक्रम करते हैं, कभी कभी हम अपने अधिकारों का गंदा इस्तेमाल भी कर जाते हैं। तो वो गंदा इस्तेमाल किया नमोची ने, प्रभाव कहा कि ये नीच जाति के, उसको उनको पिटवा कर नगर से बाहर फिकवा दिया, निकलवा दिया धक्के मार के। इस बात से संभूति को कहा कि जिस बंदे को जीवन, अब याद आ गया सब, जिस बंदे को जीवन दान दिया उसने एहसान तो मानना दूर,
हमको बाहर निकलवा दिया, तब वो साधना करते हैं वहां पर, और साधना इतनी उच्च कोटि की, और उस साधना में तेजो लेशा उत्पन्न हुई और गुस्से में भरा हुआ था कि इस नगर का नाश करूंगा मैं। जब आग निकलने लगी तो चित्त पास में ही थे, एकदम दौड़ करके आए, कहा कि वो समझ गए कि कुछ उल्टा करने जा रहे हैं, तो मुंह पर हाथ लगा दिया चित्त ने, तो भाई था, तो उससे आग तो रुक गई लेकिन धुआं निकलने लगा, और धुआं इतना निकला कि सारा हस्तिनापुर धुएं से भर गया। सनत कुमार चक्रवर्ती घबरा गया। लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़े साधक हैं जिनके मुंह से धुआं निकल रहा है, उनसे बचा लो, उनसे माफी मांग लो, तुम्हारे लोगों ने धर्मांधता में उनका अपमान किया है। तो कहते कि हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी पटरानी के साथ उनको मनाने के लिए, माफी मांगने के लिए उनके पास गए। उस वक्त गोशीर्ष चंदन से पटरानी ने अपने बालों को धोया हुआ था, तो जैसे वो महामुनिराज जहां धुआं निकल रहा है उनके समक्ष जाकर के खड़े हुए, तो गोशीर्ष चंदन की कुछ बूंदे संभूति के कदमों पर पड़ गई और इतनी ठंडक लगी, आंख खुल गई। आंख खुला तो सामने एक सौंदर्य का भंडार, क्योंकि चक्रवर्ती की पटरानी है, तो उसकी सुंदरता को देखा और राजा की सुंदरता को देखा। सनत कुमार चक्रवर्ती बेहद खूबसूरत थे, तो एक निदान कर लिया वहां कि अगर मेरी तपस्या में दम है तो मैं चक्रवर्ती बनूं और ऐसी सुंदर पटरानी का पति बनूं। तभी तो कहता हूं साधना में वासना की अंगड़ाई कभी भी आ सकती है, इच्छाएं कभी भी आ सकती है, निदान कभी भी आ सकता है। तो ये निदान कर लिया, क्योंकि वो ठंडे हो गए, वो जैसी वो बूंद ठंडे हो गए तो धुआं निकलना बंद हो गया, वातावरण शांत हो गया। लेकिन चित्त एक बात कहते रहे, कुछ करना नहीं, कुछ निदान मत करना। उसने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो कहता बोलने दे इसको, पागल है, जब तेरे को बोलते रहता है ये मत करो, अरे जो कुछ करना तो करेंगे ना, क्योंकि ये मानसिकता है, ये बुद्धि है जो अहम महत्वाकांक्षा पालती है। मैं सच कहता हूं कि बुद्धि जिसके अंदर है वो महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी समझते हो? महत्वाकांक्षी उसको कहते हैं जो अपनी इच्छाओं को महत्व देता है, और जो अपनी इच्छाओं को महत्व देता है उसके लिए सब गौण हो जाते हैं और इच्छाएं प्रमुख हो जाती हैं। जब इच्छाएं प्रमुख हो जाती हैं, ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति साधु हो तो समाज तोड़ सकता है, समाज का कोई श्रावक हो वो भी समाज को तोड़ सकता है, अगर वो पारिवारिक सदस्य है वो घर तोड़ सकता है। जहां इच्छाएं बलवती होती हैं घर टूटता है, परिवार टूटता है, समाज टूटती है, देश टूटता है। ये महत्वाकांक्षा बहुत गंदी चीज है, और ये पीछा है, हम संतों का भी नहीं छोड़ती रे, घर के त्यागी भी हम इन पचड़ों में पड़ जाते। तो हुआ निदान किया नहीं, दोनों भाई मर के वही सो धर्म कल्प में गए, वहां पद्म गुल्म विमान के अंदर पैदा हुई है, वहां वर्षों लाखों वर्षों तक आनंद लिया, वहां से वो आए। अब वो ढूंढ रहे ब्रह्मदत्त कि हम पद्म गुल्म तक तो साथ थे दोनों भाई, लेकिन अब कहां गया मेरा भाई। तब ये रचना करी थी, आश्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगौ मरौ तथा। उधर से चित्त जो मुनि बन चुके थे, अवधिज्ञानी हो चुके थे, उनको अवधिज्ञान में पता लग गया कि मेरा भाई कांपिल्यपुर नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनकर रह रहा है। तो मन में ये आई कि मैं अपने भाई को प्रेरणा दूं, उनको लौकिक सुख से अलौकिक सुख यानी आत्मा में प्रवेश करवाऊं, उनको मैं संत बनाऊं। देखो क्या गजब की बात, एक भाई कह रहा है मेरा भाई कहां है जिसे मैं महलों में लेके आऊं, जिनको मैं जो मैं भोग भोग रहा हूं वो भोग मैं अपने भाई को भी दूं, और एक भाई सोच रहा है जो मैं आत्मा का आनंद ले रहा हूं वो आनंद, उस आनंद से जोड़ने के लिए अपने भाई को संयम के मार्ग पर लाऊं।
एक पुकार रहा है, एक आ रहा है। संयोग ऐसा हुआ, चित्त मुनि वहां पहुंच गए कांपिल्यपुर नगर के बाहर एक उद्यान में। वहां एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां गायें चरा रहा था और यही बोल रहा था, आश्वदासो मृगौ हंसो मातंगौ मरौ तथा, मातंगौ मरौ तथा। तब एक आवाज आई, ऐसा नौ सृष्टि कहा जाती, अनन्योभ्याम विव्यक्तयो। जैसी शब्द पड़ा, चरवाहा के हाथ में आवाज का पीछा करते करते वो वहां पहुंचा। कहा कि महाराज, ए महाराज क्या बोल रहे आप, ऐसा नौ सृष्टि का जाती ही अन्योन्याभ्याम विव्यक्तयो हो। ओ जुड़ गया, ओ ले भाई अब तो हम छह खंड में से तीन खंड के मालिक बन गए। उसने भेड़ बकरियों को छोड़ा, भगा यहां से, अब हम राजा। भागा भागा पहुंच गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के दरबार में, बोला आश्वदासो मृगौ हंसौ मातंगौ मरौ तथा, ऐसा नो सृष्टि का जाति अन्योन्याभ्याम विव्यक्तयो हो। जब ये देखा, वो चरवाहा फटे पुराने कपड़े हाथ में लठ, वो सोचने लगा मेरा भाई ऐसा। उस दृश्य को देख के ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती फिर बेहोश हो गए। जब मंत्री ने देखा, यार ये बंदे ने कुछ बड़बड़ाया, महाराज चक्रवर्ती बेहोश हो गया। मंत्री ने कहा तुम तो राजा को होश में लाओ। उस चरवाहे को पकड़ा और दे थोड़ा थड़, अबे क्या बोला तूने ये, क्या नहीं 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 मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, एक संत ने बोला। इतने में होश आ गया ब्रह्मदत्त को, कहा कि किसने बोला, संत ने बोला। बस वो तो वहीं खड़े हो गए और नंगे पांव दौड़ने लगे, आगे आगे चरवाहा, पीछे पीछे ब्रह्मदत्त, उसके पीछे जनता पहुंच गई चित्त के पास। अपने भाई को देखा जब सामने, आंखों से रोने लगे, भैया हम पांच जन्मों तक साथ रहे, इस छठे भाव में दूर क्यों हुए। तब चित्त ने कहा, निदान की वजह से। किसकी वजह से? निदान की वजह से। तुमने हस्तिनापुर सनत कुमार चक्रवर्ती पटरानी, उनके बालों से टपकते हुए गोशीर्ष चंदन की बूंदों को और उनके सौंदर्य पर आसक्त होकर तुमने निदान किया था। हाँ किया था, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान है सब चीज के पास। भाई तू कब तक, याद रख राजगद्दी पे तुम सुख तो भोग सकते हो, लेकिन कभी ना कभी इस जीवन का अंत तो आएगा। अगर राजगद्दी पर मरोगे तो सातवीं नरक में जाओगे भैया। ये सुख तुम्हें महादुख में ले जाने वाला है, इस जन्म का सुख तुम्हें महादुख की वेदना देने वाला है। मैं कह रहा हूं भैया लौटा, अभी तक साथ रहे थे, साथ ही मुक्ति में जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे। कहा कि देख क्या बात कर रहे हो तुम, क्योंकि ये निदान का फल है, निदान का फल है कि भैया तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुझे अपने महलों में लेके जाने को आया हूं और तू कह रहा साधु बन। मैं साधु नहीं बनता, बल्कि मैं चाहता हूं ये बाना छोड़, ये बाना उतार, मेरे साथ आ, मैं तुझे सारा राज्य देता हूं। चल, मैंने पहले आधे राज्य की घोषणा की थी, मैं पूरा का पूरा राज्य तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा। भैया तुम चलो ना, चलो ना। अब देखो वो संसार के सुख के दृश्य दिखला रहा, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, गिड़गिड़ा रहा है। और चित्त कह रहा है कि ये कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ जाना है, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसका परिणाम आखिरी में बहुत गंदा आएगा। तू आत्म सुख को देख, अलौकिक सुख को देख, काय को लौकिक सुख के पीछे पागल बन रहा है। एक अध्याय एक आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मा का सुख बता रहा है और एक संसार से जुड़ा हुआ संसारिक सुखों की व्याख्या कर रहा है। ये आप अपने अपने चिंतन में सोचिए। बहुत समझाया चित्त ने, लेकिन उस निदान की वजह से ब्रह्मदत्त समझ नहीं पाया। आखिर चित्त ने कहा, मैं करुणा में तुम्हें संसार की दलदल से
निकालने आया था, लेकिन तू ही मेरा हाथ पकड़कर दलदल में डालना चाहता है। भैया तुझे अगर ये प्रिय लगता है तो यहाँ रह, हम तो चले। अब देखिए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के सुख भोगने के बावजूद भी कहाँ गया? सातवीं नरक में। उसको अनुत्तर गति कहते हैं। अनुत्तर गति उसको कहते हैं जिसके बाद कोई और गति ना हो, जिसके बाद, क्योंकि सातवीं नरक के बाद फिर जाओगे कहाँ? दो अनुत्तर गति हैं, सातवीं नरक जो आखिरी, और एक गति अनुत्तर मुक्ति, जिसके बाद कोई गति नहीं, जिसके बाद कोई गति नहीं, अंत गति, पंचम गति मुक्ति। एक मुक्ति में गया और एक सातवीं, एक ने गति की तलहटी को छुआ, एक ने गति की परम ऊंचाई को छुआ। यह है जो संसार और शरीर और इंद्रियों से जुड़ता है वो नरक में जाता है, और जो आत्मा से जुड़ता है वो परमात्मा बनता है, जो परमात्मा बनता है वो मुक्ति में जाता है। आपका समय हुआ, आज भी 10 मिनट ज्यादा ले गया क्योंकि बड़ा अध्याय था, बड़ा अध्याय। भगवान बड़े उदार है, पता नहीं तुम्हारा मन उदार है या नहीं, तुम जानो।